मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भारती सिंबवानी फ्रॉम मदरसा मौलाना आजाद अपर प्राइमरी स्कूल। वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और टूडेज टॉपिक इज वन डिजिट सब्ट्रैक्शन इन वर्टिकल फॉर्म। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न सब्ट्रैक्शन विथ नंबर लाइन। पहले के वीडियो में हमने सीखा था कि नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। इस वीडियो में हम करेंगे कि वर्टिकल फॉर्म में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इधर एक वर्कशीट दे रखी है आपको, उसमें वर्टिकल फॉर्म में वन डिजिट सब्ट्रैक्शन दे रखे हैं। पहला है 5 माइनस 2, ठीक है। अब 5 माइनस 2 आप कैसे करेंगे? यहाँ पर 5 स्ट्रॉबेरी से आप उसमें से अगर 2 कट कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा? 3, ठीक है। नेक्स्ट है 6 माइनस 0। 6 स्ट्रॉबेरी आपको इसमें से कुछ भी कट नहीं करना है, तो कितनी बचेंगी? 1 2 3 4 5 6, ओके। अब यहाँ पर 9 स्ट्रॉबेरीज दे रखी है ना, उसमें से आपको कितनी कट करनी है? 6, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ बच्चों पीछे कितनी बची? 1 2 3, ठीक है। इधर 9 स्ट्रॉबेरीज है, आप इसमें से 2 कट करनी है। आप रिमेनिंग कितनी रही? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर 8 स्ट्रॉबेरीज हैं, उसमें से आपको 7 कट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी रही जो बिना कटे है? 1, ठीक है। यहाँ 9 स्ट्रॉबेरीज हैं, आपको इसमें से 5 कट करनी है। 1 2 3 4 5, रिमेनिंग कितनी रही? 1 2 3 4, आंसर क्या आएगा? 4। 2 स्ट्रॉबेरीज में से 2 ही कट कर देनी है, तो पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, 0। 4 स्ट्रॉबेरीज हैं, उसमें से आपको 3 कट करनी है। 1 2 3, पीछे कितना बचेगा? 1 स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व भी करके दिखाया है कि 5 में से 2 गया कितना आया? 3। 6 में से कोई स्ट्रॉबेरी नहीं गई तो कितना रहा? 6। 9 में से 6 स्ट्रॉबेरीज कट की तो कितनी रही? 3। 9 में से 2 कट कर दी तो कितना रहा? 7। 8 में से 7 कट कर दी तो हमारे पास कितनी रही? 1। 9 में से 5 गए तो कितना रहा? 4। इस तरीके से 2 स्ट्रॉबेरीज में से 2 चले गए तो पीछे कितनी रही? 0। 4 में से 3 गए तो पीछे कितना रहा? 1, ठीक है। एक और वर्कशीट हम करते हैं, इसमें भी 6 में से 4 को लेस किया हुआ है। ये 6 है ना, इसमें से 4 कट कर लिए तो पीछे कितने बचे? 2। यहाँ पर 9 है, इसमें से आप 2 कट कर दो, पीछे कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 है, ठीक है, इसमें से 4 कट कर दो। 1 2 3 4, रिमेनिंग कितने रहे? 1 2 3 4। 5 में से 2 कट करना है, ये 2 कट किए, रिमेनिंग कितने रहे? 3। 8 में से 2 कट करना है, 1 2, पीछे कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6। 4 में से 1 कट गया, पीछे कितने बचे? 3। 9 में से 5 कट कर दो, 1 2 3 4 5, रिमेनिंग कितने रहेंगे? 1 2 3 4। 8 में से 5 लेस कर दो, 1 2 3 4 5, रिमेनिंग कितने रहेंगे? 1 2 3, ठीक है। इसको भी मैंने ऐसे सॉल्व करके दिखाया आपको। 6 में से 4 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 5 गया 3, ठीक है। अब सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं बने हुए, 6 में से 2 लेस करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6, और इसमें से 2 लाइंस क्रॉस कर दो, तो क्या आएगा आंसर आपका? 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से 5, आप चाहें तो अपने फिंगर्स भी ओपन कर सकते हैं। आप अपने हैंड की ऐसे
फाइव फिंगर्स ओपन कर दो, उसमें से टू फिंगर्स कट कर दो, पीछे कितनी बचेंगी, वन टू थ्री, ठीक है। एट में से टू जाएगा तो कितना आएगा, तो आप एट फिंगर्स ओपन कर लो अपने हैंड की, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। अब एट में से आप टू फिंगर्स हटा दो, पीछे कितनी बचेंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। या आप एट लाइंस खींच लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और इसमें से टू लाइंस कट कर दो, पीछे कितनी बचेंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। सेवन में से थ्री लाइंस करना है तो आप सेवन लाइंस कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसमें से थ्री लाइंस कट कर दो, रिमेनिंग कितनी रहेंगी, वन टू थ्री फोर, ठीक है। फोर में से थ्री लाइंस कट कर दो, वन टू थ्री फोर, इसमें से थ्री लाइंस कट कर दी, रिमेनिंग कितना रहेगा, वन। सिक्स, सिक्स में से थ्री लाइंस कट कर दो, रिमेनिंग कितनी रहेंगी, वन टू थ्री। फोर में से वन लाइन कट कर दो, पीछे कितनी रहेंगी, वन टू थ्री। अगेन हम फोर लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसमें से हम टू लाइंस कट करेंगे, हमारे पास पीछे कितनी रहेंगी, टू। टू लाइंस करो, उसमें से वन कट कर दो, रिमेनिंग कितनी रहेगी, वन। थ्री लाइंस कट कितनी करेंगे, टू, रिमेनिंग कितनी रही, वन। सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव लाइन कट कर दो, रिमेनिंग कितनी रही, वन। आपने वन लाइन ड्रॉ की और वन ही कट कर दी, तो पीछे क्या रहेगा, जीरो। आई होप कि आपको ये सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तीनों वर्कशीट आपको आपकी नोटबुक में करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।